दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे रीसेलर्स और ऑनलाइन सेलर्स कनेक्टेड है जो व्हाट्सएप पे सेलिंग करते हैं, लेकिन आज भी उनको सही तरीके से सेल्स कम्युनिकेशन करना नहीं आता। एक क्लाइंट के साथ किस तरीके से बात की जाती है, एक कस्टमर को पेइंग कस्टमर कैसे बनाती है, ये टेक्निक उनको नहीं आती, स्ट्रेटेजी नहीं आती। तो इसीलिए आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से व्हाट्सएप पे प्रोफेशनल सेल्स कम्युनिकेशन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप इजीली पेइंग कस्टमर पे कन्वर्ट कर सको। अब ये जो आपकी कस्टमर की सेल्स जर्नी होती है व्हाट्सएप पे, ये 10 पॉइंट्स के अंदर पूरी कवर अप हो जाती है। 10 स्ट्रेटजीज है जिसके अंदर व्हाट्सएप की जो सेल्स है ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये 10 स्ट्रेटजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली स्ट्रेटजी है प्रोफाइलिंग करो। जब भी आपके पास एक कोई न्यू कस्टमर आता है, कोई अननोन पर्सन आता है जो आपके पास व्हाट्सएप पे आया है, सबसे पहले आप प्रोफाइलिंग करो कि भाई कस्टमर कौन है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर किस लोकेशन से है। आप कस्टमर से बात करो, ये सारी चीज़ें पूछो कि भाई आप कहाँ से हो, आपको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, किस प्रोडक्ट पे आप इंटरेस्टेड हो। जब आप ये सारी चीज़ें जानोगे ना तो इससे बहुत सारा बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि कस्टमर फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। आपको पता चल पाएगा कि कोई अच्छा कस्टमर है या कोई टाइम पास करने के लिए आपके पास आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खरीदना नहीं होता, वो आपके पास आते हैं, व्हाट्सएप पे टाइम पास करते हैं और आपका टाइम वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले आप प्रोफाइलिंग करते हो कि हाँ कौन से लोकेशन से है कस्टमर, क्या चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है उसको, प्राइसिंग के बारे में कितनी नॉलेज है आपको ताकि आप उससे सही प्राइसिंग चार्ज कर सको। याद रखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और ये सारे डेटाबेस आपको आगे भी फ्यूचर में बहुत काम आते हैं। अगर कस्टमर स्ट्रांग लगता है, अगर कस्टमर एजुकेटेड लगता है, पोटेंशियल कस्टमर लगता है, तो आप उनके साथ सेल्स में ज़्यादा एफर्ट लगाते हो और ज़्यादा मेहनत करते हो उनके पीछे। एक बार प्रोफाइलिंग करने के बाद ये जो दूसरी स्ट्रेटेजी होती है वो है फ्रेंडशिप करो, उनसे बात करो, कोई ना कोई म्यूचुअल कनेक्शन निकालो और उनको बताओ कि हाँ आप भी उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। अब इससे होता ये है कि आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। अब सपोज मैं एज अ सेलर हूँ यहाँ रायपुर में, मेरा कस्टमर है वहाँ दिल्ली में, अब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करके एक म्यूचुअल कनेक्शन निकालना पड़ेगा ताकि थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो जाए। एक बार ट्रस्ट लेवल हाई हो गया तो आप कस्टमर को कुछ भी बेच सकते हो। अब जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी ट्रस्ट लेवल को बढ़ाने के लिए, वो है आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाना है और रिव्यूज बताना है अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में आपको कुछ तारीफ करना है, या बिना तारीफ किए भी आप उनको कुछ ऐसी चीज़ें शो करते हो जिससे उनको पता चल जाता है कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस करने वाले हो। जैसे कि आप स्टैटिस्टिक्स दिखाते हो, नंबर्स दिखाते हो कि भाई इतने हज़ार लोगों को हमने प्रोडक्ट अभी तक की सेल आउट किया है, या ये ब्रांड्स हमारे साथ कनेक्टेड है, या फिर आप उनको रिव्यूज दिखाते हो कि भाई इतने सारे कस्टमर्स ने हमको पॉजिटिव रिव्यूज दिया है, आप देख सकते हो। वो भी आपके रिव्यूज देखेंगे, आपके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से उनका ट्रस्ट लेवल और बढ़ेगा। अब दोस्तों ये जब चलते रहता है तो कस्टमर अक्सर आपसे प्रोडक्ट की और इमेजेस पूछेगा और टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा, क्योंकि अब उसके दिमाग में क्यूरोसिटी जगना शुरू हो गई है। अब वो धीरे धीरे रेडी हो रहा है पैसा खर्चा करने के लिए, अब वो आपके बिजनेस के बारे में और जानना चाहता है और समझना चाहता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप दे रहे हो। तो वो सबसे पहले आपसे मंगेगा और इमेजेस दो, और फोटोज दो, और वीडियोज दिखाओ और बताओ। तो यहाँ इस स्टेज में आपको अपनी ब्रांड की कैटलॉग बना के रखना है, एक PDF बना के रखना है, एक PDF फाइल बना के रखना है, जो आप सिंपली उसको दे दो और बता दो कि भाई देखिए ये हमारी वेबसाइट है या फिर ये हमारा कैटलॉग है, इसमें आप हमारे सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, जो भी प्रोडक्ट पे आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके दो, वो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आगे हम सेल्स कंटिन्यू करेंगे। अब कैटलॉग के अंदर हर चीज़ मेंशन मत करो, कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट रखो, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो मेंशन करो, प्राइसिंग वगैरह मेंशन मत करो, ताकि आगे से कस्टमर स्क्रीनशॉट लेके आपसे बात करना चाहे। तो जब कहानी यहाँ तक की पहुँचती है तो कस्टमर देख लेता है कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसको कुछ कुछ चीज़ें पसंद भी आना लग जाती है, अब वो खरीदना चाहता है उन चीज़ों को, और अब वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। अब उसको पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट उसको खरीदना है, अब उसको पता चल गया है कि अब उसको पैसा आपको देना है, अब वो आपसे बार बार क्वेश्चन करेगा भाई कितने दिन में ये प्रोडक्ट आएगा, कि कब डिलीवर होगा, प्रोडक्ट की लाइव पिक्चर्स आप भेज सकते हो क्या, प्रोडक्ट में पेमेंट कैसे होगा, प्रोडक्ट का रिफंड पॉलिसी क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे आएगी, प्रोडक्ट कौन से कोरियर से डिलीवर होगा, ऐसे हज़ारों क्वेश्चंस होंगे जो कस्टमर्स आपसे पूछेगा। और ये सारी चीज़ें आपको पता है पहले से कि हर कस्टमर पूछेगा, आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी टर्म्स एंड पॉलिसीज में बना के रखनी है, एक मैसेज बना के रखना है जिसके अंदर आप हर पोटेंशियल क्वेश्चन का पहले से ही आंसर दे दो। तो जितने कॉमन क्वेश्चंस होते हैं
कि भाई कितने दिन में डिलीवरी आती है, कौन से कोरियर से डिलीवरी आती है, कब बुकिंग होती है, पेमेंट कैसे करना रहता है, पेमेंट लिंक कौन सी है आपकी, कितना पे करना रहता है, जो भी आपकी रिफंड रिटर्न पॉलिसीज़ है वो कैसी है, ये सारी चीज़ें आप एक मैसेज में लिख के कस्टमर को दे दो और बता दो कि देखिए टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए ऑर्डर करने के पहले। अभी इस स्टेज में जो भी आपको मेहनत करना था ना सेल्स में, वो आपने 50-60% मेहनत कर दी है। अब कस्टमर जो भी आपसे पूछ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको यस या नो में जवाब देना है, क्योंकि आपने हर एक चीज़ बता दिया। अब कई कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका टाइम आपके लिए पैसा है। आप दिन में 10 कस्टमर लोगे, एक भी कस्टमर अगर ऐसा मिल गया जो आपसे बहुत बात कर रहा है, तो आप दिन में 2 से 3 ही कस्टमर को अटेंड कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक कस्टमर को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। इसीलिए इतना बताने के बाद जब भी कोई कस्टमर पूछे, तो 6th स्टेज में उसको सिर्फ यस या नो या फिर 1 वर्ड में आंसर करना शुरू कर दो। इससे उनको भी पता चलेगा कि आपका टाइम वैल्यूएबल है और आपको भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। अब एक बार जब ये सारा प्रोसेस हो गया, सपोज कस्टमर ने पेमेंट डाल दिया आपको, आपने ऑर्डर उनका लगा दिया, अब नेक्स्ट चीज़ है कस्टमर को नोटिफिकेशन डालना। एक बार कस्टमर से पेमेंट मिलने के बाद आप उस ऑर्डर को अपने सेलर के पास प्लेस करते हो, अगर आप रीसेलिंग कर रहे हो तो, अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आप उसको बेसिकली जो भी कोरियर पार्टनर है उसके साथ डिलीवर करते हो, और कस्टमर को जो ट्रैकिंग डिटेल्स है वो देते हो। अगर आप रीसेलर हो तो जनरली 24 घंटे के अंदर आपका सेलर आपको ट्रैकिंग आईडी दे देगा, वो ट्रैकिंग आईडी आपको याद से जितनी जल्दी हो सके उतना कस्टमर को देना है। याद रखिए, जब तक कि कस्टमर पैसा नहीं देता, जब तक कि आपका पलड़ा भारी है, बट एक बार कस्टमर आपको पैसा दे देता है तो कस्टमर के लिए जितना हो सके उतना काम आपको करना है, क्योंकि अब वो आपका पेइंग कस्टमर बन गया है। अगर आप उसके लिए अच्छा काम करोगे तो वो आपको बार बार पे करेगा, आपका रिकरिंग कस्टमर बन जाएगा। तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करो और एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट का काम करो। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है कस्टमर्स की, तो यहाँ तक कि खुद करो और कस्टमर सपोर्ट या ट्रैकिंग वाला काम किसी और पर्सन को बोलो, अपने टीम मेंबर को बोलो कि वो कस्टमर को ये ट्रैकिंग आईडीज भेजेगा या फिर कस्टमर सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ तक कि प्रोसेस होने के बाद जो 8th स्ट्रेटेजी है वो है, आप अपने कस्टमर से रिव्यूज़ और फीडबैक लेते हो प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद। आप लगभग 6-7 दिन का वेट करते हो, 6-7 दिन के बाद आप वापस उस कस्टमर को अप्रोच करते हो और पूछते हो कि प्रोडक्ट आपको मिला कि नहीं। अगर मिला हो तो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए और ज़रूर कस्टमर से लाइव फ़ोटो लेना उस प्रोडक्ट की, बहुत काम आता है। जब भी आप कस्टमर से रिव्यू लेते हो और अगर कस्टमर आपको अप्रिशिएट करता है, तो आपका वो जो स्क्रीनशॉट है वो आगे आपको रीमार्केटिंग के लिए या फिर लोगों को ट्रस्ट दिखाने के लिए, आगे और सेल्स इंक्रीज करने के लिए, आपकी बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों, ये प्रोसेस होने के बाद ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि अब प्रैक्टिकली हमारी पूरी सेल्स क्लोज हो गई है। जी हाँ, वो सेशन की जो सेल्स थी वो क्लोज हो गई है। इसके बाद आप कस्टमर का डेटाबेस नोट डाउन करके रखते हो, सेव करके रखते हो उसका प्रॉपर नंबर, उसको लिस्ट में नोट डाउन करके रखते हो। अगर आप कोई एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हो या कोई ऐसी डायरी मेंटेन कर रहे हो जिसमें आप कस्टमर का डिटेल्स लिखते हो, तो वहाँ पे आप नोट डाउन करते हो ताकि उनका पूरा एक डेटाबेस क्रिएट हो। बट अब आपकी रिकरिंग सेल्स शुरू होती है, उस पर्सन का नंबर आप ब्रॉडकास्ट में डालेंगे और आप उसको हर वीक न्यू प्रोडक्ट अपडेट करना शुरू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रीमार्केटिंग करना। तो रीमार्केटिंग से ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं। आप मार्केटिंग में जितना भी एफर्ट लगाते हो, आपको सिर्फ 5% एफर्ट लगाना है रीमार्केटिंग करने के लिए और आपको उतने ही ऑर्डर आएगा, आपके कस्टमर भी मेंटेन रहेंगे और आपका ट्रस्ट लेवल भी ग्रो होता रहेगा। और यही रीमार्केटिंग का जो एंड और आखिरी पार्ट है, जो 10th स्टेप है किसी भी सेल्स प्रोसेस का, वो है कि आप अपने कस्टमर को न्यू ऑफर्स दो। जब भी कोई कस्टमर आपसे बार बार प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो वो भी आपसे कुछ ना कुछ एडिशनल चीजें एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है। आपको भी अच्छा लगता होगा जब कोई बड़ी ब्रांड आपको सरप्राइज के तौर पे कोई गिफ्ट दे देती होगी, या आपको कोई गिफ्ट वाउचर या आपको कोई कूपन वाउचर दे देती होगी, या आपको कहीं ना कहीं से किसी प्रोडक्ट पे कोई एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता होगा, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम पे आप ज्वाइन हो जाते होंगे। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को आगे अपना रीसेलर बना सकते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट जो हमारा कोर्स है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो एज अ कोर्स एनरोल होके सीखते तो हैं, लेकिन अफिलिएट सेल्स भी करते हैं उस कोर्स की, मतलब हमारे ही प्रोडक्ट आगे सेल भी करते हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट हुआ, उनको पता है कि इस चीज को आगे सेल करेंगे तो हो सकता है 10 लोगों का और बेनिफिट हो जाए। तो अफिलिएट लिंक के थ्रू, अफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आगे सेल भी करते हैं और हर एक कोर्स के सेल्स का हम उनको 50% कमीशन देते हैं। ये हमारा तरीका है एंड टू एंड सेल्स को क्लोज करने का। तो इस तरीके से आप भी अपने कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हैं, अपनी डीलिंग को एंड तक के ले जा सकते हैं और कुछ इस तरीके से एक अननोन आदमी को
पूरी सेल्स करके लास्ट में अपनी ही सेल्स टीम का एक हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका कि आप व्हाट्सएप पे किस तरीके से सेल करो, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करो और कैसे आप बल्क लेवल पे बहुत सारे कस्टमर्स को एट ए टाइम मैनेज करो। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक दो और वीडियोस बनाई है, वो वीडियो की मैं लिंक डाल देता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।